पृथ्वी पर अब बस कुछ ही जगहें बची हैं जहां इंसान और जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अफ्रीका के दिल में केन्या की इस जगह का नाम है मासाई मारा। मैं एक साल पहले अफ्रीका में 100 कुओं को बिल्ड करते समय यहां आया था, जहां मेरी मुलाकात हुई मासाई ट्राइब से। ये एक प्राचीन कम्युनिटी है जिन्होंने अपने कल्चर को सालों से जिंदा रखा है। लेकिन जैसा कि हम दुनिया भर में दूसरी जगहों में देखते हैं, लोगों का मतलबी होना और लालच नेचर के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जानवरों को इंसानों से खतरा महसूस होता है। प्लास्टिक दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है, इससे हम सबको खतरा है। विश्व भर में 10 लाख जानवर अब विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन आशा की एक किरण जरूर है। ये है मासाई मारा का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेंसीज एसोसिएशन, यहाँ के मासाई लोगों का एक ग्रुप जो पारंपरिक तरीकों से और डेटा साइंस और एनालिसिस जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से जो कुछ बचा है उसकी रक्षा करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि शिकार करने पर रोक लगाना और नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करना। लेकिन अब ऐसी और भी गंभीर चुनौतियां सामने आ रही हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। इसीलिए डैन और डैरिन ये देखने के लिए मासाई मारा गए कि हम इस कम्युनिटी की और कैसे मदद कर सकते हैं। और कैंप साइट से कुछ ही दूरी पर डैन और डैरिन ने एक कमाल का नजारा देखा। ये है एलिजाबेथ, उन एंडेंजर्ड व्हाइट राइनोज में से एक जिसकी रेंजर्स रक्षा करते हैं। कितना खूबसूरत जानवर है। आंखों पर यकीन नहीं होता, मतलब उसकी ताकत तुम महसूस कर सकते हो? तुम इन जानवरों के साथ 27 सालों से हो? हाँ। यानी ये तुम्हारे बच्चों जैसे हैं? हाँ। ये रेंजर्स इन एंडेंजर्ड एनिमल्स की रक्षा करने के लिए दिन रात काम करते हैं, और क्योंकि वो सभी स्थानीय मसाई लोग हैं, उन्हें इस बात की गहरी समझ है कि वाइल्ड लाइफ को बचाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंप साइट पे पहुंचने पर हम मासाई कंजर्वेंसीज के सीईओ डैनियल से मिले, ये जानने के लिए कि वो और कौन सी चुनौतियां झेल रहे हैं। अगर हम पिछले 40 साल देखें तो वैज्ञानिक जानकारी से पता चलता है कि जानवरों की संख्या में गिरावट आई है और लगभग 40% वन्य जीव लुप्त हो चुके हैं, और ये खास तौर पर जमीन की बर्बादी की वजह से हुआ है। मारा का डाउनफॉल 60 साल पहले शुरू हुआ, जब इस जगह को डिवाइड करके यहाँ के मासाई लोगों में बांट दिया गया था। इससे हुआ यूं कि इन्वेस्टर्स ने उस जमीन को डेवलपमेंट और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए खरीदा। कई मासाई लोगों के पास उन पैसों को लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें अपनी पुश्तैनी विरासत को त्यागना पड़ा और लाखों मासाई लोगों और उनके जानवरों के रहने की जगह पर नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। इससे निपटने के लिए कंजर्वेंसीज ने एक योजना बनाई जिसके तहत लैंड ओनर्स को अपनी जगह मासाई कंजर्वेंसी को लीज पर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसके बदले में उन्हें हर महीने पैसे मिलेंगे ताकि वो अपनी जमीन को सुरक्षित रख सके। कंजर्वेशन के इस आइडिया ने हमारा रिश्ता वन्य जीव और प्रकृति के साथ और मजबूत किया है, जिससे मासासाई ट्राइब और वन्य जीव दोनों को एक साथ फलने फूलने का मौका मिला है। पिछले 18 सालों में मासाई मारा में 24 से ज्यादा कंजर्वेंसीज बन गए हैं, जिससे मासाई ट्राइब और यहाँ के वाइल्ड लाइफ को एक साथ ग्रो होने का मौका मिलेगा। लेकिन कंजर्वेंसी के लीड प्रोजेक्ट मैनेजर टान ने हमें बताया कि नेचुरल डिजास्टर्स और क्लाइमेट चेंज जैसे वेदर इवेंट्स मासाई लोगों के लिए अब तक सबसे बड़ी समस्या साबित हुए हैं। हमने यहाँ कुछ अनएक्सपेक्टेड वेदर इवेंट्स देखे। यहाँ भारी बाढ़ आई है, हमने टूरिज्म कैंप्स की वजह से अपनी प्रॉपर्टी खो दी, और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि हमने कुछ रेंजर्स भी खो दिए जो इस कीमती इकोसिस्टम की रक्षा के लिए यहाँ काम करते थे। हमने काफी विनाशकारी बाढ़ें देखी हैं। वो अपनी नॉर्मल पेट्रोलिंग खत्म करके वापस आ रहे थे और उन्होंने पाया कि नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। दरअसल वो नदी पार करना चाहते थे, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण कार पलट गई। इस वजह से 7 रेंजर्स में से 2 रेंजर्स की जानें चली गईं। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारे कीमती नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। हम उनके परिवारों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों रेंजर्स का परिवार बड़ा था, जिनके लिए वो हर रोज कमाने जाते थे, और क्योंकि अब वो नहीं रहे, उनके परिवार के पास इनकम का और कोई सोर्स नहीं है। आशा है कि भविष्य में हमारे पास एक ऐसा अलर्ट सिस्टम होगा जिससे इस तरह की घटनाएं टाली जा सके। इस समस्या से निपटने के लिए कंजर्वेंसीज जो एक रास्ता खोज रहे हैं वो है वेदर स्टेशंस को इंस्टॉल करना। वेदर स्टेशंस इकोसिस्टम पर निगरानी रखने के लिए बहुत जरूरी हैं, और ये इकोसिस्टम मैनेजमेंट के ऊपर जानकारी पूर्ण निर्णय लेने में हमारी मदद करेंगे, जिससे यहाँ कंजर्वेशन का काम आसान हो जाएगा। एक और परेशानी है रेंजर बेस कैंप्स पर बिजली की कमी।
जिससे टॉर्च चार्ज करने और वेदर स्टेशन को बिजली देने जैसे इम्पोर्टेंट काम भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये सब मिलकर उस मजबूत ढांचे को तैयार करते हैं जो इन रेंजर्स को इकोसिस्टम मॉनिटरिंग और इकोसिस्टम मैनेजमेंट का काम करने में मदद करेगा। और पिछले 20 सालों में इस इलाके में कंजर्वेशन के तरीके में ये एक बड़ा बदलाव आया है। ऐसा लगता है कि हम इस समय एक बड़े मोड़ पर है, और अगर हम इस बारे में कुछ नहीं करेंगे तो हम इसे हमेशा के लिए खो सकते हैं। हम मासाय मारा में कंजर्वेशन पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालने के लिए हर संभव कोशिश करना चाहते थे, इसीलिए डैरेन मिशेल से मिले जो कि हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर्स गिव पावर की प्रेसिडेंट है। वो यहाँ के रेंजर्स के लिए क्लीन एनर्जी जनरेट करने में कंजर्वेंसीज के साथ काम कर रहे हैं। गिव पावर पूरे रेंजर स्टेशन को रात में रोशनी देने के लिए क्लीन एनर्जी सप्लाई करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे वेदर स्टेशन और सेंसर्स को पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों और घटनाओं के बारे में पता चलेगा, जिससे मासाय मारा के इलाकों की आसानी से रक्षा हो पाएगी। तो मैं इनमें से कुछ रेंजर स्टेशन तक बिजली पहुंचाने के इस मौके को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। हमें एक डिजिटल कनेक्शन बिठाने का मौका भी मिला, जिससे वो फील्ड में जुटाई गई महत्वपूर्ण जानकारी को एक सिस्टम में ट्रांसमिट कर पाएंगे। इससे हम कार्बन क्रेडिट्स बनाना भी शुरू कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स कंपनीज द्वारा अपने कार्बन फुटप्रिंट्स की भरपाई करने के लिए खरीदे जाते हैं। इससे उन्हें एक निश्चित मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़ने की परमिशन मिलती है। यदि कंजर्वेंसी को और वेदर स्टेशंस मिल जाए तो वो उन कार्बन क्रेडिट्स को कंपनियों को बेच सकते हैं, जिससे वो मासाय मारा को लगातार बढ़ा सकते हैं और उनकी रक्षा कर सकते हैं। हमने जो 7 वेदर स्टेशंस और सोलर ग्रिड्स इंस्टॉल किए हैं, उनके अलावा डैरेन डैनियल को एक और सरप्राइज देने वाला है। डैनियल और 5 वेदर स्टेशंस बनाने के लिए हम पैसे देने वाले हैं। मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ, और मैं पूरे मासाई कम्युनिटी की तरफ से कह रहा हूँ, उन हजारों लैंड ओनर्स की तरफ से जो इस वक्त यहाँ नहीं है, वो ये सुनकर बहुत खुश होंगे। इस प्रोजेक्ट पर किए गए हर काम के लिए शुक्रिया। इससे रेंजर्स को वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने के लिए इस लड़ाई में मदद मिल सकती है। कंजर्वेंसी कार्बन प्रोजेक्ट से अपनी खुद की इनकम भी कमा सकेंगी, जिससे उन्हें अपनी जमीन छुड़वाने के लिए पैसे मिलेंगे। इससे वाइल्ड लाइफ को बढ़ाने के लिए और जगह मिलेगी, और मासाय लोगों को भी वैसे जीने का मौका मिलेगा जैसे वो सदियों से जीते आ रहे हैं। हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि नई पीढ़ियां हमारे द्वारा शुरू किए गए काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये उनके जीवन को भी अच्छे के लिए बदल रहा है। इससे हजारों घरों को इनकम मिल रही है, और हमारे लिए ये एक आशीर्वाद है। हमने जो काम किया और हमारे डोनेशंस की वजह से डैनियल सच में बहुत खुश है, लेकिन मासाय मारा को अब भी 5 और वेदर स्टेशंस और पावर स्टेशंस की जरूरत है, जिनकी कुल मिलाकर कीमत है $1,00,000। यहीं पर हमें आपकी मदद की जरूरत है, तो प्लीज नीचे दिए गए डोनेट बटन पर क्लिक कीजिए। छोटे से छोटे डोनेशन भी बदलाव ला सकते हैं। डैन और डैरेन ने जाने से पहले उन परिवारों से मिलने का फैसला किया जिन्होंने भारी बाढ़ में अपने पतियों और पिताओं को खो दिया था। इसके बाद डैनियल ने बताया कि बीस्ट फिलैंथ्रोपी पूरे 1 साल के रहने खाने के खर्च के लिए पैसे डोनेट करने वाला है, जिससे उनके ऊपर से ये भारी फाइनेंशियल बोझ उतर जाएगा। रेंजर्स ने जमीन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए अपनी जान कुर्बान की है। ये बहुत जरूरी है कि हम सभी जितना हो सके उन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करें जो मासाय मारा में ऐसा बड़ा बदलाव ला रहे हैं। हमें एक्शंस लेने और कुछ करने का एक छोटा सा मौका मिला है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आप सभी के देखने और डोनेट करने के कारण ही हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर पा रहे हैं जो हमारी पृथ्वी और उसकी प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं।